नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका शुभ लाभ एसोसिएट्स में निखिल ब्लॉग्स के माध्यम से। आज फिर आपके लिए एक नया फ्लैट लेके आया हूँ। 3 BHK फ्लैट है, बहुत ही शानदार, मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल नियर है, विद लिफ्ट, विद कार पार्किंग, रेडी टू मूव फ्लैट है। बहुत ही शानदार फ्लैट है, आपको देखते बहुत पसंद आएगा। आपका आउटलुक, इनर लुक, इंटीरियर, आउटर बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी खास बात यह है दोस्तों इसकी कि वाइड पार्किंग है, बहुत अच्छी पार्किंग है। 200 गज का ये बिल्डिंग का साइज है, 200 गज के अंदर आपका 3 BHK फ्लैट बना हुआ है। और दोस्तों आज मैं खाली एक फ्लैट नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा पूरी बिल्डिंग, जिसके अंदर दो फ्लैट है 2 BHK के और एक फ्लैट है 3 BHK का, और ये सब ही विद लिफ्ट, विद कार पार्किंग आपको मिलेंगे। इस वीडियो के आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे, फर्स्ट में दिखाएंगे हम आपको 3 BHK और सेकंड पार्ट में दिखाएंगे आपको 2 BHK। आइए मैं आपको इसके पूरे दर्शन कराता हूँ। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपनी बिल्डिंग पे, जिसके लिए मैं आपको बता रहा था, जो हम आपको आज दिखाने वाले हैं। मेट्रो से बहुत नज़दीक है, 200 मीटर की दूरी पे आप देखेंगे सामने मेट्रो लाइन चल रही है। आपको इजली यहाँ से आने जाने में वॉकिंग डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। वाइल्ड गली है, अप्रॉक्स 35 फीट की गली है, जहाँ पे आपको कार लाने ले जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों साइड से आपको गलियाँ बड़ी कम्फर्ट मिलेंगी, ईजी टू वे, दोनों तरफ से कहीं से भी जा सकते हो। बहुत ही प्यारा इसका हमने फ्रंट एलिवेशन बनवाया है, जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रंट एलिवेशन के अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार है, आपको बहुत जरूर पसंद आएगा। आओ दोस्तों मैं तुम्हें फ्लैट दिखाता हूँ 3 BHK, जिसके लिए मैंने आपको कमिट किया। देखिए हर कोई अपने फ्लैट की बहुत तारीफ करता है, लेकिन मैं तारीफ करूंगा नहीं, तारीफ करोगे आप लोग, क्योंकि फ्लैट देखोगे आप और देख के आएगा आपको बहुत ज्यादा पसंद। ये फ्लैट 100 गज के अंदर बना हुआ है, विद लिफ्ट है, विद कार पार्किंग है, 90% लोन फैसिलिटी है, मेट्रो से मात्र 200 मीटर की दूरी पे है, रेडी टू मूव है, बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है, 30 फीट रोड है, बैक रोड 15 फीट है, और लोकेशन देखोगे आपको बहुत पसंद आएगी। पूरा प्रॉपर आप देखिए, ये ड्राइंग रूम एरिया है, बड़ा ही वाइड ड्राइंग रूम एरिया, मैं आपको सेंटर में खड़ा होकर दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरा स्क्वायर के अंदर ड्राइंग रूम है, LED पैनल एज लाइक, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, काफी बड़ा स्पेस है, उसी तरीके से ये काफी अच्छा बना हुआ है। मटेरियल भी बहुत अच्छा लगा है, वुडन वर्क जो है वो काफी क्वालिटी वाला है। ड्राइंग रूम की प्रॉपर लुक देखिए, स्टैंडलर देखिए, इसका POP फॉल सीलिंग के डिजाइन देखिए, हर तरीके की हर एक चीज बहुत ही चुनिंदा तरीके से बनाया है, देखा छाट के हर चीज को लगाया गया है। इसके फ्लैट के अंदर आपको जो है देखिए स्प्लिट एसी की आपको फिटिंग मिल जाएगी, जो कि आपको अलग से लगवाने की जरूरत नहीं है, वो इनबिल्ट है, आप सिर्फ अपना स्प्लिट एसी लाइए और इसके अंदर फिट कीजिए तो लग जाएगा। इस बिल्डिंग के अंदर आपको मिलेगा इंटरकॉम लॉक सिक्योरिटी सिस्टम विद वीडियो आपको मिलेगा, जो कि आप अपने फ्लैट से ही देख सकते हैं कौन आपसे मिलने आया है और कौन नहीं आया है। आप चाहो तो वो गेट खोल सकते हो, चाहो तो नहीं। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ बेडरूम की तरफ। ये है जो इसका फर्स्ट बेडरूम है, बड़ा ही अच्छा साइज है बेडरूम का, आप इसके अंदर कम्फर्टली 6x6 का पूरा प्रॉपर बेड लगा सकते हैं। अगर मैं बेडरूम के साइज की बात करूं तो कम से कम ये है 11x12 का। इसके अंदर ये हमने अलमीरा दी है, देखिए बहुत ही वाइड वार्डरोब है, 6x10 की वार्डरोब दी है, जो कि काफी सफिशियंट साइज है, इसके अंदर आप काफी सामान रख सकते हो। और मैं आपको ले चलता हूँ दूसरे बेडरूम की तरफ। ये है इसका मास्टर बेडरूम, जैसा कि हर फ्लैट के अंदर एक मास्टर बेडरूम होता है जिसमें वॉशरूम अटैच होता है, ये वो मास्टर बेडरूम है। इस बेडरूम के साइज की हम बात करेंगे तो दोस्तों ये आपको मिलेगा 12x12 का बेडरूम है, 6x6 का किंग साइज बेड लगा हुआ है, उस हिसाब से दोनों तरफ काफी अच्छा स्पेस है। आपको ये 12x12 का बेडरूम काफी कम्फर्टली आपको फील देगा, काफी खुला डुला आपको लगेगा। ये जो आप इसके साथ अटैच है वॉशरूम दिया हुआ है, वेस्टर्न वॉशरूम है, पूरा प्रॉपर वेस्टर्न वॉशरूम दिया हुआ है, अटैच है शावर है, इसके अंदर गीजर फिटिंग है और वॉश बेसिन वगैरह सब इंक्लूड है, आपको अलग वॉशरूम यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो दी है, जो कि आपको बहुत ही अच्छा वेंटिलेशन देगी। एसी के लिए जगह दी हुई है, आप यहाँ पे विंडो एसी लगा के यूज कर सकते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा। ये बहुत ही प्यारा LED पैनल है, ये न्यू लुक LED पैनल है दोस्तों। देखो इसके अंदर क्या है, आप जैसे डिजाइन आप सिंपल देखते हो स्क्वायर के अंदर लगा हुआ होता है, ये एक अलग ही नई लुक दिया है, जिससे कि हमें ये लग रहा है कि जैसे सनराइज हो रहा हो और बहुत ही प्यारी फील देता है। आप यहाँ मिडल के अंदर अपना LED लगा सकते हैं और बहुत अच्छा आपको लुक देगा। आओ दोस्तों ये हम आ गए हैं थर्ड बेडरूम में, जो कि बालकनी से अटैच है, प्रॉपर वेंटिलेटेड है। अगर मैं इसकी वही साइज वगैरह की बात करूं दोस्तों,
तो साइज इसका जो है 12x11 का साइज है, बहुत ही सफिशियंट है, खुला डुल्ला फील, वही आपको किसी तरीके की रूम छोटा है घुटन महसूस होती है ऐसा आपको कुछ नहीं होगा। बहुत ही प्यारा साइज निकाला है फ्लैट, इस हिसाब से लग रहा है कि मानो 100 गज ना हो, कोई 125-150 गज का हो। ये एक एलईडी पैनल लगा हुआ है, इस एलईडी पैनल को आप बहुत ही प्रॉपर अपनी वार्डरोब तरीके से अपने जो ड्रॉर्स वगैरह लगी हैं उन सफिशियंट तरीके से यूज कर सकते हो। इस रूम में हमने एक वार्डरोब भी अटैच किया है जो कि 4x10 के आसपास का है, काफी अच्छा है, डेप्थ इसकी अच्छी है, आप काफी अच्छा सामान रख सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए ये विंडो के ऊपर वही आप विंडो एसी यूज कर सकते हैं, और यहीं से सामने है अटैच है हमारी बालकनी जिसमें हम जाने वाले हैं। अब हम आए हैं अपनी बालकनी में जो कि काफी अच्छा साइज है, वहां से लेके यहाँ तक अगर मैं साइज की बात करूँ तो कम से कम ये 20 फीट के आसपास की बालकनी है, 20x3.5 की, जो कि बहुत ही अच्छा साइज है। आप यहाँ पे टैप वगैरह हमने दिया है कि आप अपने वॉशिंग मशीन वगैरह यूज कर लें, और आपको अदर से कोई और वॉशरूम के अंदर वॉशिंग मशीन रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से यूज हो जाएगा। प्रॉपर वेंटिलेशन, खुला 30 फीट की रोड, सर्विस रिपीट कर दिया हूँ। दोस्तों मैं आपको अभी तक तो सारे बेडरूम दिखा चुका हूँ, आज मैं चाहता था किचन में आपको लास्ट में दिखाऊं, क्योंकि किचन बहुत ही प्यारी किचन है। आप ये देखिए पहले किचन की आर्च, ये किचन में एंटर करने पे एक आर्च बनाई है हमने, जिसके अंदर आप बहुत छोटे छोटे अच्छे यूनिक पीसेस रखोगे तो बहुत ही शानदार लुक देगा, एक रिच लुक देगा कि हमारी किचन कितनी शानदार है। क्योंकि जैसे ही आप एंटर करते हो ड्राइंग रूम के बाद में किचन, तो देखने वाले को पहले उसी पे नजर पड़ती है। हमने इसमें वॉल लैंप्स, हैंगिंग लैंप्स लगाए हैं, बहुत ही प्यारे हैंगिंग लैंप्स हैं, ये देखिए कितना शानदार हैंगिंग लैंप्स लगा हुआ है। इसी के साथ में अगर मैं साइज की बात करूं तो अपने किचन की, तो बहुत ही अच्छा है, 8x कम से कम भी ये 13 फीट का है, और यहाँ पे एक्सटर्नल जो है हमने फ्रिज एरिया भी दिया हुआ है। आप यहाँ पे फ्रिज रखिए, किसी तरह की कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कंजेस्टेड किचन नहीं होगी। अच्छा, इसके अंदर दो चीज है मैं आपको बता दूं, एक तो किचन पूरा प्रॉपर वेंटिलेशन पे है, देखो जैसे आप विंडो देख रहे हो तो आप एग्जॉस्ट वगैरह भी यूज कर सकते हो। बाकी उसके बाद में हमने मॉड्यूलर है किचन, तो चिमनी भी देनी पड़ेगी, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक चिमनी दी हुई है, ब्रांडेड चिमनी है साफिया की, बहुत अच्छी है, और इसकी 2 साल की वारंटी है, काफी अच्छा चलने वाली है, वैसे इतनी जल्दी खराब होती नहीं है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम है, इसके अंदर वेस्टर्न फिटिंग है, शावर लगा है, गीजर की फिटिंग इनमें है, मिक्सचर्स है, कोल्ड एंड हॉट वाटर्स की आपको फैसिलिटीज में मिलेगी, और साथ ही वैनिटी वाला वॉश बेसिन लगा हुआ है, नॉट अ सिंपल, नीचे वैनिटी है पूरी, प्रॉपर अच्छे से यूज कर सकते हो आप उसे। तो मैंने आपको दिखाया 3BHK का फ्लैट, 100 गज का फ्लैट विद लिफ्ट विद कार पार्किंग, मेट्रो से मात्र 600 मीटर पे। इस वीडियो का ये पार्ट वन है, पार्ट टू आपको जरूर देखने को मिलेगा, पार्ट वन में 3BHK और पार्ट टू के अंदर 2BHK। मैंने आपको सारी डिस्क्रिप्शन दे दी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, लोनेबल है, मेट्रो के पास है, 90% तक लोन हो सकता है, आप जरूर ट्राई कर सकते हैं इस फ्लैट के लिए। आपको अगर अच्छा लगा हो तो जरूर इसके लिए कॉल कीजिएगा। अब मैं निखिल जी को बुलाना चाहूंगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निखिल व्लॉग्स। तो आज आपने जो फ्लैट देखा बहुत ही ज्यादा शानदार था, हर बार की तरह एक से बढ़कर फ्लैट आते रहते हैं बढ़िया से बढ़िया, और आगे भी इससे भी अच्छे अच्छे फ्लैट्स आते रहेंगे आपके। लेकिन ये 3BHK फ्लैट 100 गज के अंदर आपको कैसा लगा, सच बताना प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना जरूर कि ये फ्लैट लगा कैसा आपको। तो जैसे कि आपने पूरा फ्लैट देखा, फ्लैट की हर एक चीज बारीकी से उतारी हुई है, तस्वीर की तरह पूरी उतार दी है, फ्लैट इतना अमेजिंग लग रहा है, इनके फर्नीचर बहुत बढ़िया है। जैसे कि आपने देखा LED पैनल कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे इनका जो वर्क इन पे जो कर रखा है, इनकी मटेरियल यूज कर रखा है वो बहुत ही अच्छा कर रखा है। और दूसरा जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये LED इनके साथ जो LED लगी हुई है बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे LED, अगर आपका LED के अंदर आपका LED लगेगा तो बहुत अमेजिंग लगेगा। तो ज्यादा आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, तो आशीष भैया के पास चलते हैं। आशीष भैया आ गए हम आपके पास। तो दोस्तों एक बार फिर से मोस्ट वेलकम, मैंने आपको दिखाया 100 गज का फ्लैट, दोस्तों आपका मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत लाइक्स आए, बहुत सब्सक्राइबर बढ़े, निखिल ब्लॉग्स के माध्यम से हमें आपका बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार देते रहिएगा और मैं आपके लिए नए नए फ्लैट लाता रहूंगा। ये नए साल के उपलक्ष्य में, न्यू ईयर के उपलक्ष्य में मैं आपके लिए 3BHK का फ्लैट लाया हूँ, 3BHK विद लिफ्ट विद कार पार्किंग, 90% लोन फैसिलिटी है, 95 ओके डन, 95 अगर आपने बोल दिया तो डन, 95 भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपकी इनकम होनी चाहिए, उस हिसाब से आपको मैं 95 भी करा दूंगा। दोस्तों फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा।
हो सकता है नया साल नए घर में आपका बने और नया घर आपको नए साल में बहुत बहुत फले और आपको मिले, और मैं चाहता हूं कि आप नए घर में शिफ्ट हो। प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए ऐसे ही फ्लैट लाता रहूंगा, आपको फिर मिलता रहूंगा। तो सो गाइस, अब आपको जैसे कि आज भी आपको सब चीज बता चुके हैं, तो मेरे को पहली चीज तो मेरे को प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर बता दिया करो कि फ्लैट अच्छा है बुरा है, कुछ भी हो, जैसे भी ऐसा आपको अच्छा लगे प्लीज मुझे बताया करो, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, फ्लैट लेकर आता रहता हूँ। तो अगर आपको ये फ्लैट अच्छा लगा तो स्क्रीन पे आशीबिया का नंबर चलता रहता है, तो प्लीज कॉल उठाइए। एक कॉल दो, आप एक कॉल सिर्फ दूर होते हैं हमेशा, और कॉल तो आती रहती है। प्लीज फ्लैट देखने आइए एक बार, ये फ्लैट सिर्फ आप देख के जाइए, क्योंकि फ्लैट बहुत ज्यादा अमेजिंग है। हर बार की तरह, हर बार जैसे अमेजिंग होता है, इस बार भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय। और एक चीज और, अब आपको इसका जो दूसरा पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेगा। बाय।